कुंभकर घाट में 5 कुंडी शिव शक्ति पूजन किया जाएगा, जिसमें भारत के विभिन्न कोनों से आए नागा साधु हिस्सा लेंगे। इसकी जानकारी श्यामपुरी नागा बाबा ने दी। उन्होंने कहा कि 10 फरवरी से शुरू होकर 19 फरवरी तक चलने वाले इस 5 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन जन कल्याण की दृष्टि से किया जा रहा है, जिसमें भारत के विभिन्न जगहों से आए नागा बाबा इस यज्ञ का हिस्सा बनेंगे। हम लोग प्रयागराज से चल करके आए हैं और यज्ञ की व्यवस्थाएं हमारे जो हैं, हमारे यही अंबिकापुर के शंकर घाट समिति और हमारे सभी भक्त जने सब अपना योग सहयोग लगा रहे हैं। विश्व शांति जन कल्याण के लिए ये सभी जो दुनिया की बाधाएं हो रही हैं, इन बाधाओं को शांति करने के लिए हमारे एक सनातन धर्म में द्वापर त्रेता सतयुग में यज्ञ करते थे, हवन करते थे, पूजन करते थे भाव भक्ति के द्वारा, और ये अपने शरीर को संपन्न रखते थे और अपने परिवार को, यानी विश्व शांति जन कल्याण होता था धर्म और कर्म के द्वारा। नागा बाबा शिव शक्ति महायज्ञ कराने के लिए अंबापुरी नगरी हमारी महामाया की नगरी है, हमारे यहाँ राजा महाराजा सभी कोई हैं और हमारे सभी यहाँ ध्यान दे रहे हैं। यहाँ देखिए हमारे जूना अखाड़ा काशी के नागा संत श्री श्यामपुर जी महाराज, साथ में प्रकाशानंद जी महाराज, ब्रह्मचारी जी और भी अनेकों संत महात्मा आ रहे हैं, जो अच्छे अच्छे हमारे देश के जाने माने संत महात्मा हैं। और जब ये लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के को बहुत भक्त लोग इन्हें आमंत्रित किए, और शंकर घाट में आप देख रहे होंगे अभी कि इनकी कुटिया भी बन गई हैं, यज्ञ की सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और पूरे शहर से लगभग सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। जैसा जिसकी जैसी शक्ति वैसी भक्ति यहाँ देखने को मिल रही है। बहुत ही अच्छा यज्ञ होगा, हम इसी कामना करते हैं और पूरे शहर वासियों से निवेदन करेंगे कि भाई आप लोग अधिक से अधिक यहाँ आइए, क्योंकि जिस कुंभ मेला को देखने आप कहाँ जाते हैं, प्रयागराज में, और वो प्रयागराज हम बताए आपको कि माघ में ही महाराज यहाँ पधार चुके थे, यानी अंबिकापुर में महाराज जी को 21 दिन हो रहा है। भाई बहन लोग आए हैं और नागा संतों का दर्शन करें, यज्ञ में आहुति डालें और परिक्रमा करें। बड़ा धन्य हूँ इस यज्ञ से जुड़ के कि हमारे सरगुजा की धारा में महाराज पधारे और यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ की व्यवस्थाएं किस तरह से है? यज्ञ की व्यवस्थाएं सभी भक्त गणों के सहयोग से चल रही है और गुरु जी का आशीर्वाद तो है ही हम लोगों के साथ। और मैं ये विशेष कहना चाहता हूं कि 10 तारीख को कलश यात्रा है, तो मैं निवेदन करूंगा सभी सरगुजा वासियों से, नगर वासियों से, कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर कलश यात्रा की शोभा बढ़ाएं और धर्म के भागी बने। ये यज्ञ हो रहा है बहुत दिनों बाद अपने नगर में, ये कल्याण के लिए, विश्व कल्याणार्थ। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।